हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मार्बल इफ़ेक्ट मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ। क्रिएटिव मेकअप है। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने फेस के ऊपर प्राइमर अप्लाई किया है। प्राइमर मैंने लिया है टार्ट का, लेकिन प्राइमर लगाने से पहले मैंने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था। आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अगर ड्राई स्किन है आपकी तो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र या ड्राई स्किन वाला जो मॉइस्चराइज़र होता है वो अप्लाई करें, और अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप लोग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र उसको अप्लाई करें। इसी तरह आप लोग प्राइमर भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। ऑयली स्किन वाले ऑयल फ्री प्राइमर्स लें, और या मैट फिनिशिंग जो प्राइमर्स होते हैं वो लें, और जो जिन लोगों की कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है वो हाइड्रेटिंग प्राइमर लें। उसके बाद मैंने मैक का पेंट पॉट लिया है, पेंटरली। आप लोग किसी भी ब्रांड का जो है पेंट पॉट या आप लोग आई बेस जो है आई प्राइमर ले सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास आई प्राइमर आई बेस नहीं है तो आप लोग कंसीलर के साथ भी अपनी आई बेस बना सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आप कंसीलर के साथ बेस बनाने का जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं। फ्लैट ब्रश के साथ मैंने पेंट पॉट आईज के ऊपर अप्लाई किया है और इसकी थिन लेयर अप्लाई की है। आईब्रोज को ऊपर से भी मैं इसे नीट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने नेक्स की जंबो आई पेंसिल ली है, मिल्क वाइट जंबो आई पेंसिल है। इसको मैं आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। क्रायॉन क्रीमी सी ये पेंसिल है, इसकी आई बेस बहुत ही अच्छी बनती है। एक अच्छा वाइट बेस देने के लिए, वाइट लुक देने के लिए सबसे पहले मैं निक्स की जंबो आई पेंसिल अप्लाई करूंगी। अब अच्छे तरीके से मैं इसको फ्लैट ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉस्मेटिक में के पैलेट में से शेड ले रही हूँ ग्रे। लाइट ग्रे शेड है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ग्रे शेड जो है वो आप ले सकते हैं, और क्रीज ब्रश के साथ जो मैंने वाइट पेंसिल लगाई थी उसकी क्रीज को मैं बिल्कुल ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, और थोड़ा सा हमारा क्रीज एरिया जो है वो भी इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद मैंने वाइट कलर लिया है जेम्स चार्ल्स के पैलेट में से, और शेडर आई शेडर ब्रश के साथ मैं इसको पूरे आईज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने निक्स की मार्कर लाइनर लिया है ब्लैक, और ये मैंने सफूरा का लाइनर ब्रश लिया है। आप लोग किसी भी तरीके से लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, मैं मार्बल की जो आउटलाइन एक जो होती है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस लाइनर ब्रश के साथ, ये बहुत ज़्यादा बारीक लाइनर ब्रश नहीं है, थोड़ा सा ये मोटा ब्रश है, इसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग स्मॉल शेडर ब्रश के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जब इसको हम ब्लेंड करेंगे तो ये लाइट सा ग्रे शेड भी देगा, क्योंकि जब ये ब्लेंड होगा ब्लैक कलर वाइट में तो ये लाइट सा ग्रे भी इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से मैंने लाइंस को ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैं इन लाइंस को दोबारा से थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। जो जो लाइन भी आपने ब्लेंड की है, कुछ लाइंस आपस में इनकी जो है वो मर्ज हो गई हैं, उनको भी जो है थोड़ा सा इस मार्कर से, निक्स के मार्कर से इसको मैं डार्क कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी मार्कर लाइनर ले सकते हैं। अब
फिर लाइट सा मैं इसको दोबारा से स्मज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेंड कर रही हूँ जिस तरह से मैंने पहले किया था, बस थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि ये जो लाइंस हैं ये अच्छे से स्मज हो जाएं। और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि आपको आपकी जगह पे लाइन की ज़रूरत है, आप वहाँ पे लाइंस जो है वो लगा सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए आप लोग स्मॉल ब्रश लीजिएगा, उससे इजीली आपके जो कलर है उसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा बड़ा ब्रश लेंगे तो उससे आपका जब आप ब्लेंड करेंगे तो जो ब्लैक शेड ब्लेंड होगा ग्रे शेड, वो पूरी आपकी आईज़ के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ लाइंस को ही आपने ब्लेंड करना है। कुछ एरियाज़ में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट है, तो मैंने उसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया है। अगर आप लोगों को ब्लेंड करते हुए लगे कि कहीं से कलर जो है वो लाइट हो गया है, तो आप लोगों ने उसको थोड़ा सा और डार्क कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो मार्बल इफ़ेक्ट होता है उसमें लाइट एंड डार्क का होता है, वाइट ग्रे और ब्लैक मिक्स का शेड होता है। उसके बाद मैं वाइट जो बेस है उसको निक्स की जंबो आई पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ताकि जो हमारे शेडेड एरिया जो है ग्रे में जो आया हुआ है और जो हमने जो ब्लैक लाइंस लगाई हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएं और अच्छे से इसका जो इफ़ेक्ट है मार्बल इफ़ेक्ट वो आ जाए। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी ब्लेंडिंग कर ली। और अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ब्रोबोन पे। आप लोग किसी भी ब्रांड का हाइलाइटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने नेक्स का ऑरेंज करेक्टर लिया है और इसको मैं आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, अंडर आईज़ पे जहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं। इसके अलावा फेस पे जहाँ पे भी डार्क पिगमेंटेशंस हैं आप लोग वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन मैंने ली है अरमानी की और नंबर है 3। ये मैंने लाइट फाउंडेशन ली है स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को इस चीज़ का होता है कि गलती से जब कोई लाइट शेड आप लोग ले लेते हैं फाउंडेशन का और उसको वेस्ट ना आप लोग करें, तो उसको सही तरीके से मैच करने का जो है प्रोसीजर वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग गलती से कोई लाइट शेड फाउंडेशन का ले लेते हैं तो उसको अपने स्किन के साथ आपने कैसे मैच करना है। अगर आप लोग कोई लाइट फाउंडेशन ले लें अपने स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट, तो इस तरीके से आपने उसको उसकी थिन लेयर आपने अप्लाई करनी है। ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ का कैनेडा का अमेरिके का जो मिनरल बेस है वो ली है, थोड़े से डार्क शेड में ली है। आप लोग किसी भी ब्रांड की मिनरल बेस ले सकते हैं या आप लोग ब्रॉन्जर्स भी ले सकते हैं। और देखें, मैं इस तरीके से आप लोग पाउडर ब्रश के साथ या जो फैन ब्रश होता है उसके साथ लाइट लाइट सा मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग डिफरेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैलेंस बेस का हो गया है। नेक्स्ट मैंने टू फेस में से टू शेड्स लिए हैं और इनको मैंने आईज़ के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ। आईज़ के नीचे हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स जो हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे। जिस बहुत से लाइट शेड मैंने लगा के उसको मैंने थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है। उसके बाद मैंने वाइट शिमर शेड लिया है और वो भी मैं आईज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इनर आईज़ पे भी अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट की वाइट जंबो पेंसिल मैं लगा रही हूँ वाटर लाइन में। टू फेस का मैंने कंटूर पैलेट लिया है और इसमें से मैंने शेड लिया है मीडियम कोका। ये मेरा फेवरेट शेड है कंटूर के लिए। और फैन ब्रश के साथ मैंने नोज़ कंटूर किया है और कंटूर ब्रश के साथ मैं फेस को मैंने कंटूर कर दिया है। नेक्स्ट मैं सफूरा पैलेट में से ले रही हूँ ब्लश ऑन शेड, लाइट पिंक शेड मैंने लिया है और जहाँ पे कंटूर किया था उसके थोड़ा सा ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया है नोज़ ब्रश पे और चीक्स एरिया पे। स्टिला की लिक्विड लिपस्टिक मैंने ली है। इस लुक के साथ आप लोग लाइट लिपस्टिक ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास स्टिला में ये शेड नहीं है तो आप लोग किसी भी ब्रांड का लाइट शेड जो है वो अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं इनर आईज़ के ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने मैक का ग्लिटर लिया है, फिर मैंने मेकअप फॉर एवर की जो लूज़ ग्लिटर डस्ट है वो मैंने अप्लाई कर दी है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ग्लिटर ले सकते हैं। बहुत ही फन और क्रिएटिव मेकअप ट्यूटोरियल है, मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में ये ट्यूटोरियल दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। Thank you.